नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञान की बात केशव मंगई के साथ में। मैं हूं आपके साथ केशव। मित्रों देखिए कितना खूबसूरत पंख है ना, मोर पंख तो बहुत सुंदर प्रेम का प्रतीक है और मोर पंख से आकर्षण भी बढ़ता है। बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा रहता है कि पंडित जी हमें तो हम तो लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, हमारे अंदर तो आकर्षण की कमी है, आकर्षण ही नहीं है हमारे अंदर। तो मित्रों आज, जी हाँ, मैं ये मोर के पंख का एक सरल उपाय लेके आया हूं जिसे करके आप आकर्षक बन सकते हैं। आपके जीवन में आकर्षण की कमी है तो आप आकर्षक बन सकते हैं। मोर का पंख जैसे कि आप जानते हैं, भगवान योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण धारण करते थे। और भगवान कृष्ण को तो सब जानते हैं कि उनके जितना अट्रैक्शन, उनके जितना सौंदर्य, उनकी आंखों के जैसा चमक इस पूरे सृष्टि में किसी की नहीं है। उनका आभामंडल, उनका ऑरा कितना स्ट्रांग था कि जिन्होंने पूरे विश्व को मोह कर लिया था। ऐसा तीव्र आकर्षण प्रदान करता है मोर का पंख। मोर का पंख एक सात्विक पक्षी मोर माना गया है। मोर को हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी जगह दी गई है और मोर तो हमारा नेशनल बर्ड भी माना गया है ना, पीकॉक। तो मोर का पंख रखने से कैसे आकर्षण बढ़ेगा और मोर के पंख का कैसे प्रयोग करके आप अपने जीवन को आकर्षक बना सकते हैं? सरल चीज है, मोर के पंख को अपने पास हमेशा कैरी करके रखें। पहले मोर के पंख को भगवान कृष्ण को अर्पित करें, भगवान कृष्ण के चरणों में इसे अर्पित करें और उसके बाद अपने पास संभाल के रखें, अपने पास हमेशा इस मोर के पंख को रखें। इससे आकर्षण बढ़ता है और आपका आकर्षण बढ़ेगा और दुनिया आपकी तरफ आकर्षित होगी। तो मित्रों ऐसे ही सरल उपाय हमारे इस चैनल में आपको मिलेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।